नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर राधा डांगी। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको खून की कमी को आप कैसे पूरा कर सकते हैं या फिर आपके शरीर में किसी भी कारण से खून की कमी हो गई है, कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर कोई और बीमारी या फिर आपको एनीमिया है, तो आपके शरीर में खून की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही जानकारी भरी बातें होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए ऐसी ही और जानकारियां पाने के लिए। तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ आहार के बारे में, कुछ ऐसे डाइट के बारे में जो आपकी खून की कमी को पूरी कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार क्या होता है कि सही आहार न लेने पर आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है और आपको कमजोरी सी लगने लगती है। तो अगर आपके डाइट में कई ऐसी चीजें शामिल करते हैं जो आपकी खून की समस्या को पूरी कर सकते हैं, तो आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको खून की समस्या पूरी करने में मदद करने वाली है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहली चीज है केला, यानी कि बनाना। तो दोस्तों, केले में भरपूर मात्रा में आयरन होता है और कैल्शियम भी होता है। तो केले में भरपूर मात्रा में आयरन होने के कारण यह आपकी जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो बढ़ाता है, और अगर आप इसका दूध के साथ सेवन करते हैं सुबह में तो ये आपको और भी फायदेमंद रहता है। और केला दूसरी और भी कई ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कि आंखों की बीमारी कोई है आपको या फिर किडनी की कोई समस्या है, तो इन सभी चीजों में भी केला बहुत ही फायदेमंद रहता है। दूसरा है पालक। अगर आप पालक के जूस का सेवन करते हैं तो पालक में बहुत ही भरपूर मात्रा में आयरन होता है, तो ये आपके हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है, और खास करके उन लोगों में जिन लोगों का कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर कोई बीमारी की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है या फिर उनकी कोई बीमारी की वजह से उनमें खून की कमी हो गई है, तो वो उन्हें पालक का ज़रूर सेवन करना चाहिए या फिर पालक के रस का सेवन करना चाहिए, तो उससे क्या है उनकी खून की कमी ज़रूर पूरी होगी। तीसरा है चुकंदर, जिसे इंग्लिश में बीट भी कहा जाता है। तो चुकंदर का आप सेवन गाजर के रस के साथ मिक्स करके, यानी कि चुकंदर का जूस बना लें और गाजर के जूस के साथ मिक्स करके आप उसका सेवन कर सकते हैं, या फिर आपको चुकंदर आप सलाद के रूप में भी चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। तो बीट में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है, तो वो आपकी त्वचा को जवान दिखाने में भी बहुत ही मदद करता है। और दूसरा बता दूँ कि चुकंदर पेट में जिनको बार बार गैस की समस्या रहती हो उन्हें बीट का सेवन जरूर करना चाहिए। चौथा है गाजर। गाजर भी एक बहुत ही अच्छा स्रोत है आयरन का। गाजर का सेवन आप जूस के रूप में कर सकते हैं। पांचवा बादाम। बादाम जो है वो आपके खून को साफ रखने में बहुत ही मदद करती है, तो आप रात को भिगोकर बादाम को 2-4 बादाम भिगो दें और सुबह में उसे छीलकर जरूर खाएं। इससे क्या होगा, आपकी खून की कमी भी पूरी होती है और आपका जो खून है वो साफ भी होता है। नेक्स्ट देखें तो गन्ना। गन्ने का रस तो सभी पीते हैं गर्मियों में, तो गन्ने का रस है वो आयरन से भरपूर होता है, तो उसका जरूर आपको सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट बताऊं तो टमाटर का रस जो है वो बहुत ही फायदेमंद है। आप टमाटर का सूप भी पी सकते हैं या फिर टमाटर ऐसे भी खा सकते हैं, सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। तो टमाटर जो है वो बहुत ही आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत है, इससे आपको कभी भी खून की कमी नहीं होगी। और टमाटर जो है वो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को भी बढ़ाता है, यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो आप टमाटर का सेवन जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो खजूर। खजूर जो है वो खून की कमी पूरी करने में बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप खजूर को दूध में डालकर खजूर का सेवन करते हैं तो आपकी खून की कमी बहुत ही जल्दी पूरी हो सकती है, तो खजूर एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, इसका जरूर सेवन करें। और अंत में मैं आपको बता दूं, आंवला।
आंवला भी बहुत ही अच्छा स्रोत है, इसमें विटामिन सी भी होता है, तो वो आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल बटन जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही जानकारियाँ और मिलती रहे। धन्यवाद।